हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ होम साइंस शो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम गुजरात के बारडोली का फेमस कटोरी पात्रा बनाएंगे। ये पात्रा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर के तैयार होता है और इसे अरवी के पत्तों से बनाया जाता है। गुजरात में अरवी के पत्तों को पात्रा कहा जाता है। ये जो नाश्ता है बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगता है, एकदम क्रिस्पी होता है और इसे बना करके आप 25 से 30 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। लोग इसे बनाना झंझट का काम समझते हैं, मार्केट से ले आते हैं, सोचते हैं बहुत ही मुश्किल काम है, बट फ्रेंड बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी से घर में बन करके तैयार हो जाता है। और इसे बनाने के लिए हमें मार्केट से कोई ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर में ही मिलने वाले सामान से हमारा ये कटोरी पात्रा बन करके तैयार हो जाता है। इसे हम इस तरह से कटोरी का शेप देते हैं, इसलिए इसे कटोरी पात्रा कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना देख लेते हैं। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम पात्रा लिया है, यानी कि अरवी के पत्ते। और अरवी के पत्तों को हम अच्छे से धो लेंगे, धो करके कपड़े से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद फ्रेंड्स, इसकी जो ये मोटी नसें हैं इसको हम निकाल देंगे। एक तो ये फोल्ड करने में दिक्कत करेगी, दूसरे ये खाने में भी गले में लगती है, इसलिए इसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए, चाकू से हम इस तरह से काट करके निकाल देंगे। फिर एक बेलन लेकर के हल्के से हम इसे दबा देंगे। ऐसा करने से ये नसें जो है ना एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं। तो देखिए, हमने इसे ऐसे इस तरह से दबा दिया है। पात्रा बनाने के लिए हमेशा ताज़े पत्ते और सॉफ्ट यानी कि जो छोटे कोमल पत्ते होते हैं उनका ही यूज कीजिएगा। और एक तरीका मैं बताती हूँ इन नसों को निकालने का। फ्रेंड्स, आपको बेलन से हम इस तरह से दबाएंगे, एक बार मोटी वाली तो हम निकाल देंगे, फिर बाद में बेलन से हम इसको दबाएंगे और ऐसे पकड़ करके खींच लेंगे। तो देखिए, बहुत ही आसानी से सारी नसें बाहर निकल जाती हैं। देख लीजिए, एकदम बढ़िया से ये निकल जाती हैं। जो साइड साइड पे लगी होती है ना, वो भी निकल जाती हैं। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चम्मच मैंने गुड़ लिया है। फ्रेंड्स, ये देसी वाला गुड़ है, आपको वाइट वाला मिल जाए ना तो उसका यूज कीजिएगा, इससे थोड़ा सा कलर डार्क हो जाता है। तो इसे मैंने आधा कप पानी में डाल करके भीजने के लिए रख दिया। गुड़ की जगह आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं। अब इस पात्रा में यूज करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा हम मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच हमने धनिया लिया है। इसको हम रोस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा गरम कर लेंगे। जब ये गरम हो जाए तब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा करके दरदरा इसे हम पीस लेंगे। अब यहाँ 2 कप मैंने बेसन लिया है। ये नॉर्मल वाला बेसन है जो हमारे सबके घरों में होता है, पतला वाला। अब इसमें क्रिस्पीनेस लाने के लिए 1/4 कप हम चावल का आटा मिला देंगे। अब यहाँ 1.5 चम्मच हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथों से हल्का सा हम रगड़ लेंगे ताकि इसकी खुशबू भी बढ़िया हो जाए। और बेसन में अजवाइन डालना ज़रूरी है ताकि ये पचने में भी आसानी हो। अब 2 चम्मच यहाँ पे सफ़ेद तिल डालेंगे, 1/2 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून लाल मिर्च डाला है, ये तीखी वाली लाल मिर्च है। और 2 चम्मच यहाँ पर मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अरवी का पत्ता हो या अरवी हो, उसमें खटास डालना ज़रूरी होता है। अब 1/2 टीस्पून हम हल्दी डाल देंगे और ये 2 टीस्पून मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाला है अच्छे कलर के लिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे और 1/4 टीस्पून यहाँ पर हम बेकिंग सोडा डाल देंगे ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। अब यहाँ पर जो हमने जीरा, सौंफ और धनिया को दरदरा पीस करके रखा था, 2 से 2.5 चम्मच इसको भी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब इसमें हम डालेंगे इमली का पल्प। यहाँ मैंने इमली को थोड़ी देर के लिए भिजा करके रख दिया था, उसका पल्प निकाल करके यहाँ पर मैंने लिया है। आप चाहें तो इमली की चटनी भी डाल सकते हैं। यहाँ एक छोटे नींबू के आकार का मैंने इमली ले लिया था गोल करके, उसको भिजा करके उसका पल्प निकाल लिया है। तो यहाँ इमली का पल्प और अमचूर पाउडर दोनों ही डालना ज़रूरी है। 3 बड़े चम्मच हम तेल डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने लहसुन, मिर्च और अदरक
तीनों का पेस्ट बना लिया है और 2 से 3 चम्मच इसको डालूंगी। आप अपने तिखास के अनुसार ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को अवॉइड करके सिर्फ अदरक और मिर्च का पेस्ट बना करके डाल दीजिएगा। अब ये जो हमने गुड़ भिजा करके रखा था, गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसे हम छान करके डालेंगे ताकि गुड़ में जो भी कचरा हो वो छन्नी में निकल करके आ जाए। तो यहाँ 1/2 कप हमने गुड़ में पानी डाला था और इमली के पल्प में भी थोड़ा पानी डाला था। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस पेस्ट को बनाने के लिए हमें हाथों का ही यूज करना पड़ेगा ताकि ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए इसे हम मिक्स कर लेते हैं बढ़िया सा, और जब ज़रूरत लगेगी ना तो ही हम पानी डालेंगे। अगर ज़रूरत नहीं लगती है तो हमें इसमें पानी डालना नहीं है। यहाँ हमें बहुत पतला भी बैटर नहीं बना के तैयार करना है और ना ही तो बहुत थिक बनाना है, एक मीडियम आकार का बैटर बना करके तैयार करना है। तो देखिए मैं आप लोगों को मिक्स करके बता रही हूँ, यहाँ मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब यहाँ आप नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, जो आपको कम लगे आप मिक्स कर सकते हैं। मेरे यहाँ सब कुछ परफेक्ट है। तो देखिए इस तरह का हमने बैटर बना करके रख दिया है। अब इसे 10 मिनट हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि बेसन अच्छे से फूल करके सेट हो जाए। 10 मिनट बाद देखिए हमारा बैटर एकदम बढ़िया से सेट हो गया है। अब हम अरवी का पत्ता लेंगे, आप चाहें तो एक थाली ले लीजिए और हाथों से इसे हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए इस तरह से पतला पतला ही हमें लगाना है। मैं थोड़ा सा लगा करके आपको दिखाती हूँ, बाद में वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी ताकि वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो प्लेट आप चाहें तो निकाल दें, अपने प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ करके उस पर भी आप इसे लगा सकते हैं। मैं भी प्लेट निकाल दी हूँ और प्लेटफॉर्म पे ही इसे लगा रही हूँ। अब एक एक पत्तों को हम इस तरह से रखते हुए और अपने बेसन के बैटर को ऐसे लगाते जाएंगे। चारों तरफ हम अच्छे से इसे लगा देंगे और 5 से 6 पत्ते हम एक बार में यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा पत्तों को यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम देखिए सभी पत्तों पे लगा देंगे। तो यहाँ मैंने 5 पत्तों का यूज किया है। अभी इस तरह से बॉर्डर वाले जो साइड है उसको हम फोल्ड कर देंगे और हल्का हल्का सा बैटर यहाँ भी लगा देंगे। फिर पीछे की तरफ से भी इसको फोल्ड करके हल्का सा बैटर लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें इसे टाइटली रोल करना है। याद रखिए इसका जो रोल है वो थोड़ा टाइट होना चाहिए। अब इस तरह से टाइट रोल करके और ऐसे घुमा करके रख लेंगे। तो देखिए बढ़िया सा हमारा ये रोल तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे रोल्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 रोल बना लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये और अच्छे से टाइट हो जाए, थोड़ा सा कड़क हो जाए, फिर इसे हम काटेंगे। तो 10 मिनट बाद मैंने इसे फ्रिज में से निकाला है। अब एक थाली में उल्टी करके रख लूँगी और यहाँ मैं एक चाकू से इसको काटूँगी। अगर आपके पास एकदम धार वाली चाकू है तो उसका आप यूज़ कीजिए ताकि आसानी से कटे, या तो मेरे पास देखिए इस तरह से ब्रेड काटने वाली नाइफ है, थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी होती है, इससे बहुत ही अच्छे से ये कटता है। तो मैं इसी से इसको काट करके ले रही हूँ। तो बहुत मोटा भी नहीं हमें इसे काटना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं काटना है, 1/2 इंच का हमें इसे काटना है। तो देखिए इस तरह से हम काट करके इसको रख लेंगे। और दूसरी तरफ हमने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही तो बहुत कम, मीडियम फ्लेम पे हमने तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। और इसे हम काट करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए सारे पात्रा को मैंने काट लिया है। अब तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब एक एक पात्रा हम उठाएंगे और इस तरह से अंगूठे की मदद से हम कटोरी बनाते जाएंगे, कटोरी बना करके तेल में डालते जाएंगे। तेल में एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आपके तेल में जितना आसानी से आ जाए उतना ही आप इसे डालिएगा। तो देखिए मैं 7-8 एक साथ में डाल रही हूँ, एक एक बनाते जा रही हूँ और डालते जा रही हूँ। गैस की फ्लेम यहाँ पे हमारी मीडियम है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गैस की फ्लेम ना हाई होनी चाहिए ना लो होनी चाहिए। तो हमने पात्रा डाल दिया है, अब इसे मीडियम फ्लेम पे सिकने देंगे। उलट पलट के अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसे हमें सेक लेना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे पात्रा सिक रहे हैं।
मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए इसे हम सेकेंगे और देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा पात्रा सेक करके तैयार हो गया है। अब इसे एक हम जाली पर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी इसके अंदर तेल है वो निकल जाए, और कटोरी को हम देखिए इस तरह से उल्टा करके रखेंगे ताकि तेल आसानी से निकल जाए पात्रा में से। तो इसी तरह से कटोरी बना करके हम सारे पात्रा को सेक लेंगे और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी हमारा पात्रा बन करके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स बहुत जल्दी। तो एक बार इस रेसिपी को आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दिवाली पे आप इसे बना करके रख सकते हैं, 15 से 20 दिन तक आराम से ये चल जाते हैं। तो देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया सा हमारा सारा पात्रा बन करके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।